अस्सलाम वालेकुम सामाइन, हज गाइड में आपका खैर मकदम। आज हम हज के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों के बारे में बात करेंगे और हज के अय्याम यानी 5 दिन में हज के ज़रूरी काम क्या क्या करने हैं वो बताएंगे। ये एक हज गाइड हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमें मिली थी, उसमें ये सारी डिटेल दी गई है। हज के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नत। हज के फ़राइज़ टोटल 3 हैं। नंबर 1, नियत करना, अहराम बांधना और तलबिया पढ़ना। चूँकि ये तीनों काम एक साथ होते हैं, इसलिए इन तीनों को एक ही में शुमार किया जाता है। नंबर 2, वकूफ़े अरफात यानी मैदान अरफात में ठहरना, जवाल के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब के मुत्तहक्किक होने तक। ये नंबर 2। और नंबर 3 है तवाफ़ ज़ियारत करना, जो 10 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक किया जा सकता है, लेकिन 10वीं ज़िलहज को करना अफजल है। ये 3 फ़राइज़ है। वाजिबात क्या क्या है वो देखते हैं। वाजिबात में नंबर 1 है अरफात की से वापसी के वक्त रात को मुजदलफा में ठहरना और वहाँ मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़ना। नंबर 2, सफ़ा और मरवा की सही करना। नंबर 3, जमरात पर कंकरियाँ मारना। नंबर 4, कारीन और मुतमत्तो के लिए कुर्बानी करना, यानी हज तमत्तो कर रहे हैं आप या हज किरान कर रहे हैं तो कुर्बानी करना। नंबर 5, बाल कटवाना या मुंडवाना। नंबर 6, तवाफ़े विदा करना। और नंबर 7, हुदूद मीकात से एहराम बांधना। ये 7 वाजिबात हैं। और सुन्नतें क्या हैं। नंबर 1, तवाफ़ कुदूम करना। नंबर 2, रमल और इज्तिबा करना जब आप तवाफ़ कर रहे हैं। नंबर 3, तरविया के दिन मीना में पहुंचना और रात भर वहां कयाम करना। नंबर 4, 9वीं ज़िलहज यौम अरफा को सूरज तुलू होने के बाद मीना से अरफात के लिए रवाना होना, ये सुन्नत है। नंबर 5, वकूफ़ अरफा के बाद मुजदलफा में रात गुजरना। नंबर 6, अरफात में हाजिरी से पहले गुस्ल करना, ये नंबर 6। और नंबर 7 है 10वीं, 11वीं और 12वीं ज़िलहज को मीना में क़याम करना। ये सब सुन्नत में शामिल। इनमें 2 बातें नोट करने लायक है। 1, मुंदरजा बाला फ़राइज़ में से किसी एक रुकन की अदायगी ना करने पर, यानी किसी एक फ़र्ज अदा ना करने पर हज फासिद और नामुकम्मिल होगा। दूसरा ये कि वाजिबात में से किसी भी वाजिब रुक की अदायगी में एहतियात ना बरतने या अंजाम ना देने पर इसकी जज़ा यानि दम जानवर की कुर्बानी लाजिम होगी। इसके अलावा उसे इस गुनाह की तलाफ़ी के लिए अस्तगफार अल्लाह से और अल्लाह से माफ़ी तलब करनी होगी। ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद है हज के ज़रूरी काम। ये एक टेबल में हमने 1 से लेकर 10 तक काम दिए हैं, जो 8 ज़िलहज्जा से 12 ज़िलहज्जा के दरमियान करने हैं। इसमें लिखा है कि 8 ज़िलहज्जा को मक्का मुकर्रमा से मीना रवानगी होगी, रात को क़याम मीना में होगा। 9 ज़िलहज को सुबह मीना से अरफात की रवानगी होगी। 9 और 10 ज़िलहज की बीच की रात में अरफात से मुजदलफा और रात को क़याम होगा मुजदलफा में। 10 तारीख़ की सुबह में आप मुजदलफा से मीना जाएंगे। 10 तारीख़ को मीना से जमरात रमी करेंगे, कुर्बानी करेंगे और हलक करवाना है। 10 तारीख़ को जमरात से मक्का मुकर्रमा जाके तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना है, तवाफ़ ज़ियारत करना है। 10 और 11 तारीख़ की रात के बीच की रात मक्का मुकर्रमा से मीना वापस आके मीना में क़याम करना है। 11 तारीख़ को जवाल के बाद मीना से जमरात जाके तीनों जमरात पर रमी करना है, रात को क़याम मीना में करना है। 12 तारीख़ को मीना से जमरात तीनों जमरात पर रमी करना है और वापस जमरात से मक्का मुकर्रमा रवानगी करना ग़ुरूब आफ्ताब से पहले। हुज्जाज इकराम की सहूलत के पेश नज़र सऊदी हुकाम ने दरख्वास्त की है कि 50% हाजी मीना में 13 ज़िलहज्जा तक क़याम करे और 13 ज़िलहज का मक्का में रवाना करे। मतलब 13 ज़िलहज्जा तक रुक भी सकते हैं आप वहाँ। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कारामंद होगी।
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा ज़्यादा लोगों से वो शेयर करें। अल्लाह आप लोगों का हज इस साल कबूल करें, आसान करें। आमीन।